रामचंद्र जी जो थे क्षत्रिय थे, सब खाते थे कि नहीं खाते? उन्होंने हिरण किसके लिए मारा था? यानी जैनियों ने तो ये हद कर दी कि कृष्ण के लिए ये कह दिया कि ये भगवान नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें संहार नहीं किया। राक्षसों का संहार न कृष्ण जी नहीं करेंगे तो जैनी जाके करेंगे? राक्षसों का क्या संहार नहीं करना चाहिए? वो क्या हिंसा होती है? हिंसा का भी धर्म होता है। जो कुछ हितकारिणी चीज है वो सब धार्मिक है और वो करनी पड़ती, गुस्सा भी करना पड़ता है। अगर क्रोध नहीं करिए तो भूत भागते ही नहीं है, कभी कभी चिल्लाना पड़ता है कि भाग जा तो भागता है, डर नहीं तो भागता ही नहीं, चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं। अगर उसी से भागता है, अगर वो गुस्सा ही समझता तो भगाना चाहिए कि क्या नहीं, साहब उसके आगे हाथ जोड़ के कहे भाई तू इसके शरीर को छोड़ दे, मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट हूँ, तो किसी तरह से इसके शरीर को छोड़, तो भूत आपके ऊपर भी आके बैठ जाएगा। जहां डांटना पड़ता है वहां डांटना ही पड़ता है। आप देखिएगा कि पहले तो लोग झाड़ू वाड़ू मारते थे, वो तो छोड़िए, आपका झाड़ू नहीं मारिए, झाड़ू छाड़ लगानी पड़ती, भागते हो कि नहीं भागते हो तो भाग जाते। कभी कभी कहना पड़ता है कि तुम्हें शाप दे दूंगी अगर नहीं जाओगे, तो फिर बुरिया बस्तर लेकर के चले जाते। आप देखना कभी कभी ये क्या चीजें होती हैं, ये भी एक देखने की चीज है। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी एक अजीब तरह की चीज है। हमारे बंबई में एक प्रोग्राम हो रहा था, काफी लोग थे, उसमें एक माँ कह के भूत चढ़ाया, ऊपर चढ़ के आया मेरे, वो उन्होंने किताब विताब फाड़ी, मेरे ऊपर फेंका, मुझे 10 गालियां सुनाई, मैं तो देखती रही। उसके ऊपर फिर कुछ लोग बिगड़े कि तुम माँ को ये सब नहीं कह सकते, उनका देखो तुम सहयोगी हो, शांति से बैठो, तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा उसको 2 लोग पर लगाओ अभी, और बोलेगा तो इसको पुलिस में भागा वहां। मतलब ये है कि अब वो दिन बीत गए कि जब साधु संतों को सताया जाता था, अब ये दिन आ गए कि खबरदार, जब किसी ने भी साधु संतों की तरफ टेढ़ी आंख की है तो उसकी आंखें नोच ली जाएगी, उसके बगैर अब ठीक नहीं होने वाले। हर समय साधु संतों को छलने का अधिकार किसने दे रखा है मनुष्य? ये नया जमाना आ गया है, बहुत हो गया। अब सबके जितने गुप्त है सबके सब निकाले जाएंगे, सबने जो जो अधर्म किए हैं सबको ठिकाने लगाया जाएगा। साधु संतों को छलने का किसी को अधिकार नहीं। पहले तो ये कहते थे हाँ इनको पाप लगेगा, अब पाप पाप जो लगेगा उसी क्षण दिखाई देना चाहिए, नहीं तो साधु संतों की जो तकलीफ है वो दूर नहीं जा सकती। कितना छला है हमने साधु, ये अधर्म की वजह से। जब नाभि में अधर्म हो जाता है, जिस वक्त में यहाँ सारा अधर्म छा जाता है, तब श्री विष्णु जी अवतरण लेते और वो अनेक रूप से आए। आपको मालूम है स्त्री रूप भी वो आए, इन लोगों की साधु संतों की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। और उसी वक्त में मैंने आपसे बताया था कि दुर्गा जी हृदय चक्र में बीचों बीच यहाँ आकर के जगदम्बा स्वयं साक्षात यहाँ पर उतर आती हैं, और उन्होंने अनेक बार जन्म लिए। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 1000 बार जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अनेक अंशावतार भी लिए और संसार में आ करके वो रक्षा करते हैं, सत्व की रक्षा करती है, सत्व गुणों की रक्षा करती है। उस रक्षा के बाद जब मनुष्य यहाँ उठता है तो ये जगदम्बा का स्थान है और यहाँ जगदम्बा विराजती है आपके हृदय में, हृदय के बीच में होता है और हृदय आपके लेफ्ट में होता है। हृदय में शिव जी का स्थान है जिसको कि आत्मा स्वरूप कहते हैं, वो शिव जी वहां हृदय में रहते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि हमें हार्ट अटैक आ गया, तो हम उससे अगर कहें कि अच्छा तुम परमात्मा से क्षमा मांगो, उनसे कहो कि हे करुणानिधि तुम हमें क्षमा करो, हमने अगर कोई भी गलती की हो, किसी भी तरह से हमने कोई गलत काम किया हो, तो हमारी तुम क्षमा कर। चरण तुतम वाका यजम कर्म जम्मा श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे हे महादेव शम। ये इसका मंत्र है, और अगर उसका हाथ ठीक नहीं हो जाए तो जो कहिया मार जाए। लेकिन ये आपके कहने से नहीं होगा, इसको रियलाइज सोल चाहिए, क्योंकि उसका कनेक्शन परमात्मा से हो गया है और उसने अगर क्षमा मांग ली तो मान्य है, क्योंकि भोले शंकर है ना। लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, उल्टे अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको हार्ट अटैक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों? क्योंकि उनसे बगैर परमिशन लिए, बाप रे बाप शिव जी, आपको तो प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना होता है, 100 बार उसको चिट्ठी लिखनी पड़ती, पर शिव जी तो सबके नाना के दादा हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। उनका फटाक से मुंह में नाम लेना कोई सोपी चीज नहीं है कि आप ले लेते हैं हर एक का नाम, नहीं। उनका नाम लेने के लिए देखिए उनके साथ में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ऐसे खड़ा खड़ा वो गणक लोग आपको मारेंगे कि आप ठीक हो जाइएगा।
इसलिए कभी भी शिव जी का नाम बगैर रियलाइजेशन के कभी भी न लेना। रियलाइजेशन के बाद अत्यंत नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगते हुए उनका नाम लेना चाहिए। बहुत ही ह्यूमिलिटी की जरूरत है अगर शिव जी का नाम लेना है तो, और उनको सिर्फ ह्यूमिलिटी पसंद आती है, और इसी ह्यूमिलिटी की वजह से बड़े बड़े राक्षसों ने भी उनको पाया। बहुत ही हम्बल आदमी को होना चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां मानते हुए उनके चरणों में रहने वाले के लिए वो प्रसन्न रहे। अगर आपको अपने हाथ, अच्छा शिव जी का ये स्थान है, शिव जी जो है वो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप हृदय में रहते, एक ज्योत की तरह हमेशा जलती रहती है, और वो सब चीज को जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं। वो परमेश्वर के सामने आप कोई गलती ना करना, अगर की है तो बिल्कुल माफी मांग लीजिए, क्योंकि फौरन आपका हृदय चक्र पकड़ जाएगा, हृदय पकड़ लेगा, अगर आपने गलती करी हो तो हृदय पकड़ लेगा। इसलिए आप याद करिए कि आपने क्या गलती की है, अगर कुछ नहीं याद हो तो प्रभु कुछ भी गलती हो गई माफ कर दो, उनके माफी मांगे बगैर उदय नहीं छूटे। आप कोई भी तरह का एक्सट्रीम व्यवहार करने से वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसीलिए मैं हठ योगियों से कहती हूँ कि हठ योग छोड़ो, हार्ट अटैक आएगा। सिर्फ आसन करना ही कोई हठ योग नहीं होता है, इसमें छह तरह की चीजें होती हैं, आप जानते हैं, यम नियम होने चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचारी को ही हठ योग करना चाहिए, और वो भी जंगलों में जाकर 25 साल से पहले हठ योग की सारी क्रियाएं खत्म करनी है। ये लिखा हुआ है, अगर कोई आप पतंजलि पढ़े तो आपको पता होगा कि ये कहीं भी लिखा नहीं है कि घर गृहस्थी में रहने वालों के लिए हठ योग है, कहीं भी नहीं लिखा हो। गुरु होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, उसमें से प्राणायाम और व्यायाम आसन आदि, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है आसन पे। फिर आसनों में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से चक्र में कौन सी खराबी है। अब आपका पेट खराब है, आसन आप गले का करें तो गला तो खराब होएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए इसका सबका साइंस है, कौन से मंत्र का कहाँ उच्चार करना चाहिए इसका सारा साइंस है। आपका अगर हृदय पकड़ा हुआ है और आप विष्णु जी की भक्ति कर रहे हैं तो क्या फायदा हो, एक तो आपका शुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप कर रहे हैं इसलिए विशुद्धि चक्र पकड़ा जाएगा, शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे, और विष्णु जी का आप नाम ले रहा है इसलिए आपका पेट भी खराब हो जाएगा। जो अच्छे भले थे वो बिस्तर में पड़ जाएंगे, नहीं तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और कहेंगे हम तो इतने धार्मिक माताजी रोज हम पाठ करते हैं और हम तो अस्पताल में पड़े। अब इसमें दोष आपके अज्ञान का है। सबसे बड़ी चीज ये है, इस सब का सबकी माफी होती है, इस सब चीज को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, सब चीज ठीक रह सकती है अगर आप एक चीज पे डटे रहें, परम श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज, परमात्मा के प्रति बिल्कुल इनोसेंट श्रद्धा है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। परम श्रद्धा परमात्मा के प्रति रखने वाले आदमी को कभी न कभी परमात्मा तो मिल ही जाते हैं, पर वो अगर कोई सा भी ऐसा कार्य करता है तो वो क्षम्य हो जाता है। वो अगर परमात्मा को याद करता है वो क्षम्य हो जाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं ये श्रद्धा का इसका सूत्र हमारे साथ बना है। लेकिन श्रद्धावान आजकल कोई है नहीं, फैशन में ही सारा काम कर रहा है, इसलिए उसका अपोजिट रूप बन जाता है, इसलिए आदमी उल्टे दशा में आ जाता है, उसकी उल्टी गति हो जाती, उसका उल्टा असर आ जाता है, जो करने जाते हैं बराबर उसके उल्टा आता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले जितने भी हैं सबको थ्रोट का कैंसर हो रहा है, मेरे पास कितने उनके आते हैं, मैंने कहा भाई तुम आश्रम के जगह कैंसर हॉस्पिटल खोलो। अब उनसे कहो कि भाई हम तो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, हमें क्यों कैंसर हो रहा है, भाई वजह यह है कि आपके विशुद्धि चक्र में आप श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनसे कोई परमिशन नहीं लिया आपने, उनसे आपको परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपने बगैर परमिशन के सुबह से शाम तक उनका नाम जपना शुरू कर दिया तो वो कोई आपके नौकर है। लेकिन ये तो तब समझ में आता है जब कैंसर हो जाता है, फिर कोई बताता है कि माता जी कैंसर ठीक करते हैं तब वो आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी उनकी दुर्दशा होती है कि मैं उनसे अगर कुछ पूछना भी चाहूं तो भी उनके मुंह से वही शब्द निकलते रहते हैं। इस तरह से कोई सी भी बेवकूफियां करने से कितनी तकलीफ हो सकती है। आप सोच सकते हैं छोटी चीज इलेक्ट्रिसिटी जैसे लीजिए, जो कि बहुत ही साधारण शक्ति, उसमें भी अगर कहीं आप उंगली घुसेड़ दीजिए तो आपको शॉक बढ़ जाता है। ये जो महान प्रचंड शक्ति परमात्मा की बह रही है उसके प्रति अनादर, उसके प्रति अज्ञान, कितना नुकसानदेह हो सकता है इसको समझना चाहिए। और इसीलिए आपको एक से एक चीज मैं बताने वाली, कोई भी चीज गुप्त से गुप्त सरतम
कोई सी भी चीज आपसे मैं छिपाने नहीं वाली हूँ। इस शक्ति के बारे में मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ, इसे बाद में आप मत कहना कि माँ तुमने नहीं बताया।